दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा कब होगी और ये परीक्षा कब तक होने की संभावना है और इस परीक्षा में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब आप सभी लोग हमको अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का लर्निंग एप्स डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप सर्च में उदय प्रकाश डालकर हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का एक तरीका यह भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको रीजनिंग मैथ जीके से संबंधित सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने की संभावना। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 12 अगस्त 2018 से होने की संभावना है। इसमें कुल प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंकगणित रीजनिंग से 35 प्रश्न, यानी कि अंकगणित और रीजनिंग से आपके 35 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, करंट अफेयर से 5 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी, यानी कि इस बार जो परीक्षा आप जो ली जाएगी ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। नकारात्मक अंक का प्रावधान है, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। अगर मैं सहायक असिस्टेंट लोको पायलट की बात करूं तो सहायक लोको पायलट की जो परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होने की संभावना है। प्रथम चरण में कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। अंकगणित रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, शेष प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। और जो नए दोस्त हैं जो अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।